हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर 38th लेक्चर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एसएफडी एंड बीएमडी का एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, एग्जांपल नंबर वन। आज के लेक्चर के अंदर हम एसएफडी एंड बीएमडी का सेकंड एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए आप सबको नोट, बॉल पेन, पेंसिल, स्केल, रबर, ये सब चीजें भी साथ में रखकर मेरे साथ साथ ही आपको इस न्यूमेरिकल को लिखते जाना है और सॉल्व करते जाना है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एग्जांपल नंबर सेकंड। तो सबसे पहले इन केस आपको कोई भी डायग्राम नहीं दे रखा है तो आपको जो ये एग्जाम्पल की जो क्वेश्चन है उसमें से आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा खुद से। तो देखिए, एक सादी रीते टेकवेल बीम ए सी डी बी मा ए सी बराबर 2 मीटर, सी डी बराबर 6 मीटर, डी बी बराबर 2 मीटर छे। ए अने बी टेकाओ छे, सी अने डी बिंदुए 40 किलो न्यूटन ना बिंदु भार मतलब पॉइंट लोड लागे छे। ज्यारे सी अने डी गाड़ा पर यूडीएल नो समवितरित 20 किलो न्यूटन नो समवितरित भार मतलब यूडीएल लागे छे। आ बीम माटे कर्तन बल अने नमन धोरण आकृतिओ दोरो। कर्तन बल मतलब शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट, नमन धोरण मतलब बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ करो। तो इंग्लिश के अंदर ये रकम देख लेते हैं। अ सिंपली सपोर्टेड बीम ए सी डी बी, तो सबसे पहले आपको एक सिंपली सपोर्टेड बीम ड्रॉ करना है जिसके अंदर ए और बी उसके एंड है, ए और सी के बीच की जगह 2 मीटर है, सी और डी की जगह 6 मीटर है और डी और बी की जगह 2 मीटर डिस्टेंस पे है। सपोर्टेड एट ए एंड बी, इट कैरीज पॉइंट लोड ऑन 40 किलो न्यूटन ऑन सी। तो सी पॉइंट और डी पॉइंट के ऊपर पॉइंट लोड लग रहा है 40 किलो न्यूटन का एंड उसके बीच में 20 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लग रहा है। यहां पर आप देख लीजिए, तो जो सी और डी के बीच में है, तो इस एग्जांपल के लिए शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो एग्जाम में अगर रकम ही सिर्फ दे रखी है तो आपको खुद से डायग्राम ड्रॉ करना है समझकर। तो इसके लिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करी हुई होगी न्यूमेरिकल की, तो ही आपको समझ में आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का डायग्राम कैसा बनेगा वो हम देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का डायग्राम आपका बनेगा इस तरीके से। देखिए, यहाँ पर ए और बी दोनों एंड पर हैं, सी और डी पॉइंट के ऊपर 40 किलो न्यूटन के पॉइंट लोड लग रहे हैं और सी और डी के बीच में यूडीएल है जिसका लोड है 20 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अब देखो, ए और सी के बीच में कितना डिस्टेंस है 2 मीटर, सी और डी के बीच में कितना डिस्टेंस है 6 मीटर और डी एंड बी के बीच में कितना डिस्टेंस है 2 मीटर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब मैंने लास्ट एग्जांपल में बताया था कि जब भी यूडीएल हो, मतलब ये सी और डी के बीच में जो आपको दिख रहा है 20 किलो न्यूटन का यूडीएल, ठीक है, ये स्प्रिंग जैसा बना है, वो यूडीएल जो है उसको हमें पॉइंट लोड के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो इसका डिस्टेंस है यूडीएल का उससे उसके फोर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और जो वो हमको अमाउंट मिलेगी वो सी और डी के सेंटर पॉइंट पे लगेगी, ठीक है। तो इनकेस हमारे यहाँ पर सेंटर पॉइंट होगा, तो इनकेस यहाँ पर सेंटर पॉइंट है तो यहाँ पर हमारा यूडीएल का पॉइंट लोड लगेगा। तो यूडीएल का पॉइंट लोड बनाने के अंदर हमको 20 मल्टीप्लाई बाय 6 तो 120 हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे तो 120 किलो न्यूटन यहाँ पर आपका सेंटर पे पॉइंट लोड
लग जाएगा। तो कैसे लगेगा, तो उसका मैं लाइन डायग्राम ड्रॉ करता हूं, आप देखिए। तो इस तरीके से आपका लाइन डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेन लाइन डायग्राम। अब इसके ऊपर से ही आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो देखिए, ए और सी के बीच में 2 मीटर, सी और ई जहां पे हमारा यूडीएल का पॉइंट लोड लगेगा 3 मीटर हो जाएगा, 6 के 2 टुकड़े कर दूंगा तो मैं, और डी और बी के हो जाएंगे 2 मीटर उसके अंदर। अब यहां पर ए पॉइंट और बी पॉइंट के ऊपर रिएक्शन लगेगा, तो आर ए एंड आर बी, ठीक है। तो आर ए एंड आर बी हमको फाइंड करना है, ओके। तो आर ए आर बी मैंने यहां पर लिख दिया है। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप हमारा न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको मोमेंट लेनी है ए पॉइंट के ऊपर, ओके। तो ए पॉइंट के ऊपर हम मोमेंट लेंगे, तो हमें किस तरीके से मोमेंट मिलेगी, देखिए यहां पर टेकिंग मोमेंट एट ए, ए पॉइंट के ऊपर हम मोमेंट ले रहे हैं, तो ए पॉइंट से जितने भी दूर सारे फोर्सेस हैं उसको और उसके डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना है। तो जो फोर्स अपवर्ड साइड लग रहे हैं उसको नेगेटिव लेना है, जो फोर्स मोमेंट है तो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं उसको पॉजिटिव लेना है, और जो फोर्स एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं उसको नेगेटिव लेना है। तो ए पॉइंट हमारा फिक्स कर दीजिए। तो ए से हम दूर जाएंगे तो पहला पॉइंट हमारा आ रहा है सी। सी का डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर, और उसका फोर्स कितना है, 40। तो और 40 ऐसे नीचे जाएगा तो कैसे घुमाएगा क्लॉक को, क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो 40 से नीचे गया तो ये जो सुई है वो क्लॉकवाइज घूमेगी, तो 40 × 2 पॉजिटिव आएगा। उसके बाद ई पॉइंट आया, ई पॉइंट के अंदर डिस्टेंस है, ए से ई का डिस्टेंस है 5, और उसका लोड कितना है, 120। तो 120 × 5 वो भी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो वो भी प्लस आएगा उसके साथ में, ये प्लस 120 × 5। अब ए से दूर जाएंगे तो उस ई के बाद कौन सा पॉइंट आया, डी वाला पॉइंट आया, तो ए और डी के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 3 + 3 = 6 + 2 = 8। तो ये डी का जो लोड है 40 × 8, तो वो भी क्लॉकवाइज आएगा तो वो भी प्लस 40 × 8। अब ए से नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो बी पॉइंट आएगा, तो बी पॉइंट जो है वो अपवर्ड है, तो बी पॉइंट जो है वो क्लॉकवाइज घुमाएगा ये अपने बीम को, तो बी पॉइंट जो सॉरी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो माइनस साइन आएगा, तो यहाँ पर आरबी के आगे माइनस साइन लिख दी। और ए से बी का डिस्टेंस कितना है टोटल, तो टोटल डिस्टेंस 2 + 3 + 3 + 2, तो 6, 7, 8, 9, 10 मीटर का हो गया। तो RB × 10 = 0। तो इस तरीके से आप ए पॉइंट के ऊपर मोमेंट लेकर आरबी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि कैलकुलेटर की मदद से 40 × 2 = 120 × 5 उसका सबका समेशन करके आरबी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आरबी की जो वैल्यू है वो आपको कितनी मिलेगी, 100 kN, ठीक है। तो आरबी हमको मिल गया। अब दूसरा हमारा सेकंड पॉइंट आता है स्टेप नंबर 2, उसके अंदर हमको करना है ऊपर वाले फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाले फोर्स। तो ऊपर वाले फोर्स कौन कौन से है, आर ए एंड आर बी, ऊपर जा रहे हैं फोर्स जो इज इक्वल टू नीचे आ रहे हैं फोर्स। तो ऊपर आ रहे फोर्स है आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू नीचे आ रहे हैं वो फोर्स है 40 + 120 + 40। तो
उसको मैंने RB की वैल्यू के अंदर 100 रख दिया तो मेरे को RA की वैल्यू मिल गई 100। तो यहाँ पर दोनों की वैल्यू मेरे को 100 मिल गई, RA की वैल्यू भी 100 एंड RB की भी वैल्यू 100। ठीक है, इस तरीके से आप आपका रिएक्शन फोर्स RA एंड RB फाइंड कर सकते हैं। अब हमारी बारी आती है, नेक्स्ट है स्टेप नंबर 3, शियर फोर्स कैलकुलेशन। ठीक है, तो शियर फोर्स कैलकुलेशन के अंदर हमको क्या करना है, हमको पता है कि यहां पर RA की वैल्यू कितनी है 100 और RB की वैल्यू कितनी है 100। तो अब मेरे को शियर फोर्स फाइंड करना है, तो शियर फोर्स फाइंड करने के लिए पहले मैं ए पॉइंट के ऊपर शियर फोर्स फाइंड करूंगा। ठीक है, तो फोर्स हमको देखना है कि ए पॉइंट के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। तो ए पॉइंट के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर 100 फोर्स लग रहा है, और कुछ कहीं पे है तो नहीं है, सिर्फ 100 है। तो शियर फोर्स एट ए विल बी 100 किलो न्यूटन। आपको ये साइन कन्वेंशन याद रखने हैं कि ऊपर जा रहे फोर्स को प्लस लेना है, नीचे जा रहे फोर्स को माइनस लेना है। ठीक है, अब सी पॉइंट के ऊपर, तो जब सी पॉइंट आएगा तब सी पॉइंट के ऊपर ऊपर जा रहा फोर्स से 100 और नीचे जा रहा फोर्स से 40, तो 40 कैसा आएगा, माइनस, क्योंकि वो डाउनवर्ड साइड जा रहा है। तो 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60। ठीक है, अब जो पॉइंट लेना है वो हमको डी पॉइंट लेना है। जो भी पॉइंट न्यूमेरिकल के अंदर दे रखे हो उसी पॉइंट से आपको SF लेना है। तो जैसे आप कहोगे सर ये 120 न्यूटन भी तो लग, किलोमीटर भी तो लग रहा है ई पॉइंट के ऊपर, लेकिन उसको अभी हमको उस पॉइंट के ऊपर शियर फोर्स फाइंड करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो UDL लोड है। ठीक है, तो हमको ए सी डी और बी ये चार पॉइंट के ऊपर ही फाइंड करना है। अब इधर एक ट्विस्ट ये है कि इधर जो UDL लग रहा है और पॉइंट लोड भी लग रहा है, आप न्यूमेरिकल के अंदर देखोगे तो यहाँ पर एक इस तरीके से UDL भी लग रहा है डी पॉइंट के ऊपर और पॉइंट लोड भी लग रहा है। तो जब भी एंड कंडीशन हो UDL की, वहां पे पॉइंट लोड और UDL दोनों लग रहे हो, तब हमको LHS एंड RHS ध्यान में रखना है। मतलब देखिए, शियर फोर्स एट जस्ट ऑन LHS ऑफ D, तो D पॉइंट के थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हम अब फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने ये पॉइंट ले लिया, ये लेफ्ट हैंड साइड का पॉइंट और राइट हैंड साइड का पॉइंट। ठीक है, अब मैं D की जगह लेफ्ट हैंड साइड वाला पॉइंट और राइट हैंड साइड वाला पॉइंट के ऊपर फोर्स फाइंड करूंगा। तो वापस करते हैं, देखो अब ऊपर वाला फोर्स RA, तो हमको पता है कि इधर 60 तक तो हमने फाइंड कर ही लिया था, तो 60। अब D से LHS इस पॉइंट से ऊपर मैं ध्यान दूंगा तो और एक्स्ट्रा फोर्स आ रहा है 120, तो वो भी नीचे जा रहा है तो वो भी माइनस में आएगा। तो 60 माइनस 120 इज इक्वल टू माइनस 60। तो यहाँ पर मेरे को फोर्स की वैल्यू मिली माइनस 60। अब RHS ऑफ D, अब मैं D पॉइंट को कवर कर लूंगा, अब मैं फाइंड करूंगा इधर RHS के ऊपर पॉइंट। तो मेरे को यहां तक की वैल्यू मिली थी माइनस 60। ठीक है, अब D पॉइंट को कवर कर लूंगा तो ये 40 वाला फोर्स है वो भी मेरे को इसके अंदर आ जाएगा, राइट हैंड साइड के अंदर। मेरे को A से लेकर D तक के सारे फोर्स को अब लेना पड़ेगा, तो D फोर्स भी आ गया, तो माइनस 60 और माइनस 40 करूंगा तो ये फोर्स मेरे को कितना मिलेगा, माइनस 100। तो यहाँ पर 60 का फोर्स मिला लेफ्ट हैंड साइड पे और इधर मेरे को फोर्स मिला माइनस 100। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब भी UDL हो और उसके साथ साथ पॉइंट लोड भी लग रहा हो
तो ये चीज करनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड साइड का फोर्स एंड राइट हैंड साइड का, ठीक है, दो पॉइंट आपको लेकर अलग से फाइंड करना पड़ेगा। तो 60 एंड 100 आ गया। अब बी पॉइंट के ऊपर देखते हैं, तो बी पॉइंट के ऊपर आगे -100 तो लिख दूंगा, लेकिन अब इधर भी कुछ बचा नहीं है, तो जो भी फोर्स डी की वैल्यू होगी वही बी की वैल्यू आएगी, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। और क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए क्या करना है आपको, आपको पहले से ही आरबी की वैल्यू पता है 100, लेकिन वो किस में प्लस में है, तो हमेशा शियर फोर्स की वैल्यू -100 ही आएगी। मतलब यहाँ पर जितना आपका आरबी की वैल्यू होगी उसके ओपोजिट वैल्यू शियर फोर्स की मिलेगी। तो इधर 100 प्लस में है तो SF@B आपको मिलेगा -100 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये हो गया आपका शियर फोर्स फाइंड करने का तरीका। अब आगे बढ़ते हैं बेंडिंग मोमेंट के लिए। तो बेंडिंग मोमेंट के अंदर क्या करना है, BM@A, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था कि जब भी कोई सिंपली सपोर्टेड बीम के दोनों एंड हो वहां पर बेंडिंग मोमेंट क्या लगेगी, हमेशा जीरो। तो एक एंड है ए के ऊपर भी जीरो, दूसरा एंड है बी उसके ऊपर भी जीरो, तो दोनों जीरो जीरो हो गए। अब सी और डी के ऊपर सिर्फ हमको फाइंड करना है, तो बेंडिंग मोमेंट एट सी, तो बेंडिंग मोमेंट एट सी मतलब क्लॉकवाइज फोर्स एंटी क्लॉकवाइज फोर्स, वो अब आपको ध्यान रखना है। तो आर एच की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2, तो वो कौन सा फोर्स क्रिएट करेगा, क्लॉकवाइज, तो प्लस में क्लॉकवाइज। अब बेंडिंग एट पॉइंट डी, तो बेंडिंग एट पॉइंट डी के अंदर आर ए मल्टीप्लाई बाय डी का वैल्यू कितना है, डिस्टेंस आर ए और डी का डिस्टेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 8। फिर दूसरा फोर्स कौन सा आता है, 40, और सी और डी का बीच का डिस्टेंस कितना है, तो वो है 6, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 6, लेकिन 40 जो डाउनवर्ड साइड फोर्स लग रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करेगा, इसके लिए यहाँ पर माइनस का साइन आ गया, तो माइनस साइन 40 मल्टीप्लाई बाय 6। अब यहां पर ई पॉइंट है, ई पॉइंट और डी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर, तो 120 मल्टीप्लाई बाय 3, लेकिन 120 भी एंटी क्लॉकवाइज फोर्स क्रिएट करेगा तो उसके अंदर भी माइनस आएगा, तो -120 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको मैं कैलकुलेटर की मदद से सोल्व करूंगा तो 200 किलो न्यूटन यहाँ पर वैल्यू मिलेगा। तो मेरे को MA MB MC MD सारे की सारे वैल्यू मिल गई है। अब मैं इन वैल्यूज के ऊपर से शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करूंगा। अब मुझे सिर्फ इन वैल्यू की जरूरत है, जैसे यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 60 है, यहाँ पर -60 है, यहाँ पर -100 है, और यहाँ पर भी -100 है। तो यहाँ पर जीरो है MA की वैल्यू, MB की वैल्यू जीरो है, MC की वैल्यू है 200 और MD की वैल्यू भी है 200 किलो न्यूटन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो देखिए पहले अब आपको ड्रॉ भी कैसे करना है, तो तीनों सीक्वेंस में ड्रॉ करने हैं, एक ही पेज के ऊपर सारे के तीनों डायग्राम आ जाए वैसे। तो यहाँ पर फर्स्ट मेरा लाइन डायग्राम, फिर दूसरा है शियर फोर्स डायग्राम। तो ए पॉइंट के ऊपर मेरे को शियर फोर्स की वैल्यू कितनी है, 100 है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने 100 की एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब सी पॉइंट के ऊपर वैल्यू कितनी है, तो 60 है, तो यहाँ से सीधा गया और 60 की वैल्यू तक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली। अब यहाँ पर यूडीएल आया, तो यूडीएल के लिए इंक्लाइन लाइन है, तो 60 से लेकर डी पॉइंट के ऊपर पहला पॉइंट है -60 का, तो ये यूडीएल इंक्लाइन लाइन आपका मिल गया। आप देख लो एक इंक्लाइन लाइन, स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करनी है 60 to -60, ठीक है। अब -60 के बाद कौन सा है, -100, वो वर्टिकल फोर्स है डी के ऊपर भी, तो -100 ड्रॉ कर लिया, और बी का भी -100 है, तो दोनों को जोड़ लिया, तो ये आपका हो गया प्लस में डायग्राम और ये हो गया आपका माइनस। तो इससे आपको शियर फोर्स कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव लग रहा है वो पता चल जाएगा।
ठीक है। अब बारी आती है बेंडिंग मोमेंट की, तो बेंडिंग मोमेंट सी पॉइंट के ऊपर 200 है और डी पॉइंट के ऊपर भी 200 है, तो जब बेंडिंग मोमेंट हो तब यूडीएल कर्व बनेगा और जब शियर फोर्स हो तब जो यूडीएल है वो इंक्लाइन लाइन बनेगी, वो आपको याद रखना है। अब जब बेंडिंग मोमेंट हो तब ये पॉइंट लोड जो है वो सारे आपके बनेंगे इंक्लाइन लाइन, तो यहाँ पे एम ए की वैल्यू 0 है, एम बी की वैल्यू भी 0 है, तो एम ए और एम बी सॉरी एम ए और एम सी को मैं स्ट्रेट लाइन से जोड़ दूंगा। अब ये देखो जहां पर शियर फोर्स की वैल्यू 0 होती है वहां पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो यहाँ पर शियर फोर्स की वैल्यू ई पॉइंट पे हो रही है तो ई पॉइंट के ऊपर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हमेशा मैक्सिमम रहेगी। तो यहाँ पर जो कर्व मैं ड्रॉ करूंगा तो यहाँ से कर्व ले जाऊंगा मैक्सिमम लेवल पर और वापस से नीचे ले आऊंगा यहाँ पर, तो ये हो गया मेरा यूडीएल का कर्व। और वापस से स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन लाइन, स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन 0 पे, तो ये भी प्लस में है, तो ये हो गया मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो एग्जाम के अंदर इस तरीके से आपको पूरा डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। तो एक चीज याद रख लीजिए, जब शियर फोर्स हो तब पॉइंट लोड है वो स्ट्रेट लाइन से और यूडीएल हो वो इंक्लाइन लाइन से, ठीक है। और जब बेंडिंग मोमेंट हो तब स्ट्रेट फोर्स हो वो पॉइंट लोड हो वो इंक्लाइन लाइन से और जो यूडीएल हो वो कर्व से हम शो करते हैं। तो ये चीज आप एक बार याद रख लो, शियर फोर्स के अंदर पॉइंट लोड स्ट्रेट लाइन से और यूडीएल इंक्लाइन लाइन से, बेंडिंग मोमेंट के अंदर पॉइंट लोड हो वो इंक्लाइन लाइन से और जो यूडीएल है वो कर्व से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम दूसरा एग्जांपल सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप पे या कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।